मंच पर विराजमान और सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय स्वजनों, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं और इस गरिमामय कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस नगर का एक नगर सेठ था, मेरा थोड़ा रिश्ते में भी था वो। लगभग 2 साल पहले उसका निधन हो गया। जाना तो जब सबको है, जब वो जीवित था तो उसकी घरवाली इंपोर्टेड साड़ियां, ब्रेसलेट, नेकलेस, इतने सारे गहनों से लदी फदी रहती थी, धमकती रहती थी। उसके पति के निधन के लगभग 6 महीने बाद मेरी मां ने किसी काम से उनके पास मेरे को भेजा। मैं गया वहां पर, देखा तो वो मां सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई, कपड़े भी ऐसे जैसे नौकरानी हो जैसे। मैं हतप्रभ रह गया कि ये क्या है। मैं जाके उनके चरण स्पर्श किया, मैंने पूछा, मां जी क्या बात है, स्वास्थ्य तो ठीक है ना, मैं डॉक्टर को ले आऊं? बोले हाँ ठीक है। अब मुंह से तो बोल रहे ठीक है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रही है कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो ऊपर आपके कमरे में चलकर शांति से बात करते हैं। बोले वो कमरा मेरी बड़ी बहू ने ले लिया है, मुझे नीचे एक छोटा कमरा दिया है। मैंने कोई बात नहीं भाई, बैठकर बात ही करना है ना, कमरा दिया है ना, उधर चल के बात करते। ले गया मैं उस कमरे में, उसके अंदर जो दर्द भरा हुआ था उसको जब सांत्वना मिली तो एकदम वो फूट पड़ा। झर झर करके उड़के आंखों से आंसू धड़ाधड़, अरे बाबा मैं फंस गया कि मैं क्या इसको सांत्वना दूं। वो तो रोए जा रही है, लेकिन इतनी ज्यादा पीड़ा थी। लगभग 3-4 मिनट तक रोई, फिर थोड़ा उसका हल्का मन हुआ, फिर मैंने उसको पानी पिलाया, फिर उसको थोड़ी शांति आई। मैंने पूछा भाई बात क्या है, वो तो मेरे को नहीं बताओगी तो मैं क्या कर पाऊंगा आपके लिए। बोले बेटा तुमने देखा कि मैंने अपने 2 बेटे 2 बहुएं हैं उनको, और 4-5 पोते पोतियां भी हैं। बोले इनको मैंने कितने नाजों से पाला, जो कुछ मांगते थे मैं तत्काल इनको देती थी, कितना मैं इनको गले लगाती थी, प्यार करती थी। मैंने कहा बिल्कुल, बड़े बड़े रईसों के बच्चे भी इस तरह नहीं पलते होंगे जिस तरह आपने इनको पाला है। मेरे लड़के अब मेरे पति के निधन के 6 महीने बाद मैं गया, वो बोली 3-4 महीने बाद ही मेरे से गाली गलौज करने लगे, अभद्र भाषा में बात करने लगे। और मैंने उनको कहा मैंने आपको कितने नाजों से पाला है, आप क्या किस तरह बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती? लेकिन ऊपर कोई डंडे वाला होता ना, भय बिन होए न प्रीति, वो वैसे ही करते रहे। और उनको देखकर उनकी बहुएं, उनके पोते पोती भी उसी भाषा का प्रयोग करते रहे। वो बेचारी बोल रही थी भाऊ मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं भी यहां से चली जाऊं, मेरा शरीर छूट जाए, इस नरक में मैं नहीं जी सकती, भगवान को मैं प्रार्थना करती हूं भगवान मेरे को भी ले जाते, मेरे को इस नरक में क्यों छोड़ दिया। नौकरानी से भी इज्जत से बात करते हैं, लेकिन मेरे साथ सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक नौकरानी से कई गुना ज्यादा काम करती हूं, फिर भी ये दिन भर डांट फटकार गाली गलौज सुनती रहती हूं। और नौकरानी के इसलिए इज्जत से बात करते कहीं वो नौकरी छोड़कर चली न जाए, मेरे लिए तो ये समझते जाएगी कहां। इसलिए मैं बहुत दुखी हूं भाऊ। पहले तो मैं भी सोच में पड़ गया, गुरुदेव का ध्यान किया, एक युक्ति आ गई ध्यान में। मैंने कहा मां जी मुझे याद है आप पहले एक सत्संग में जाती थी, वहां जो गुरु माता है उसने आपको नाम दिया था जो सवेरे 5 बजे उठकर आप जपती थी। बोले हाँ, लेकिन अब ये जपने नहीं देते।
कोई, मैंने कहा कोई बात नहीं, नाम तो आपको मिला हुआ है। बोले हाँ, वो तो मेरे को बख्शीश मेरे गुरु माता ने प्रसन्न होकर मेरी सेवा पर दी थी मेरे को। मैंने कहा भाई एक काम करो, पहली बात तो ये समझ लो ये आपका अंतिम जन्म है। बोला कैसे कहते हो? मैंने कहा जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए, महर्षि रमण, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, हमारे समाज के संतों का बताया, अपने गुरुदेव का बताया, जीवन के अंतिम समय में कोई 2 महीने कोई 6 महीने उनको शारीरिक पीड़ा बहुत सहन करनी पड़ी। क्यों? 3 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, सिंचित, प्रारब्ध और क्रियमान। कई जन्मों के जो कर्म है उसमें से थोड़ा थोड़ा उसमें जमा होता जाता है, उसे सिंचित कहते हैं। प्रारब्ध यानी पिछले जन्म के कर्म, क्रियमान यानी इस जन्म के कर्म। कई बार इसी जन्म के कर्म हमको इसी जन्म में फल देते हैं। अब ये कर्मों का नियम है कि जब तक उसका फल हम नहीं भोगेंगे छूट नहीं सकते। भगवान रामचंद्र जिसके बेटे वो दशरथ महाराज ने श्रवण कुमार को तीर मारा था ना, मारा था नहीं मारा था, फलस्वरूप उसके माता पिता ने उसे श्राप दिया कि तुम भी इसी तरह पुत्र वियोग में प्राण छोड़ोगे। अब चूंकि उसने कर्म किया था तो उसका फल उसको कर्म के नियम के अनुसार भोगना ही था। और जिसका बेटा खुद भगवान, वो अपने पिता को उस कर्म फल के भोगने से नहीं बचा सका। जब भगवान रामचंद्र वनवास में गए तब वो हे राम उसकी वियोग में तड़पते हुए इसने प्राण छोड़े। तो हम सब जितने भी हैं, हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं, कुछ बुरे, पुण्य हैं, पाप हैं, दोनों को भोगने के लिए यहां आए हैं। इसलिए हमारे जीवन में कभी सुख आता है कभी दुख आता है। पुण्य का फल सुख है, पाप का फल दुख है, हमें भोगना ही पड़ेगा। रो के भोगे या हंस के भोगे, भोगना ही पड़ेगा। हंस के भोगेंगे तो दर्द कम हो जाता है, रोने से और तकलीफ बढ़ जाती है। मैंने बोला ये जो आपके बेटे बहुएं पोते पोतियां हैं ये आपके कर्मों को काट रहे हैं आपको दुख दे करके, तो आपका जो पाप कर्म पिछले जन्मों के हैं वो सब चुकतू हो जाएं और आप मोक्ष को प्राप्त करो, अपने आराध्य देव के चरणों में चली जाओ। अब इसके लिए आपको काम करती रहो, अपना वो जो गुरु माता ने मंत्र दिया था वो जपती रहो और उसका ध्यान अपने इष्ट देव का करती रहो। ये कुछ भी बोले जवाब नहीं दो, फिर देखो क्या परिवर्तन आता है। बोले कहते तो सही हो, मेरे को भी लगता है ऐसा। मैंने कहा फिर करो, जब आपके विवेक ने मान लिया कि हां सही बात है तो वो करना चाहिए ना। मैं चला आया घर, मैंने सोचा ऐसा इतनी बड़ी सेठानी, वो महल जैसा घर उस सेठानी के नाम, फिर भी इतनी दुखी क्यों है? तब मुझे मेरे गुरुदेव की दूर दृष्टि समझ में आई कि लड़कियों का विशेष रूप से यदि उसे सुखी रहना है जीवन के अंतिम श्वास तक तो पढ़ा लिखा होना बहुत अनिवार्य है, और इतना पढ़ा लिखा बढ़िया कि या तो वो अपने पैर पर खड़ी हो जाएं, पोस्ट ग्रेजुएट होकर किसी अच्छे पद पर पहुंच जाएं, नहीं तो कम से कम ग्रेजुएशन तो करे कि लड़की बने। अगर ये मां पढ़ी होती नौकरी की होती तो आज इसको पेंशन मिलती होती, उनके ऊपर वो निर्भर नहीं रहती तो वो इसको प्रताड़ित नहीं करते। अगर नौकरी नहीं भी की होती और इसके पास डिग्री होती पढ़ी लिखी होती तो आज कोचिंग करके कम से कम अपना तो भरण पोषण वो कर सकती थी, कर सकती थी नहीं कर सकती थी। और पढ़ी लिखी होती तो अपना अधिकार कि ये मकान मेरा है तुम सब निकलो बाहर, अधिकार ले सकती थी।
लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसको किस तरह मुझे अपना अधिकार लेना है मालूम नहीं था, और उनके भी ऊपर निर्भर होने की वजह से वो उसको प्रताड़ित कर रहे थे। तो हमें यदि समाज में सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जीवन के अंतिम श्वास तक जीना है बेटा, हमारे लिए एकमात्र विकल्प है पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। और उस पढ़ाई के लिए करनी पड़ेगी लड़ाई। किसके साथ? अपने मन के साथ।